हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अ सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन विच इज डिस्कस अंडर सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन एज वेल एज द फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, इन व्हाट फॉर्म द डाइंग डिक्लेरेशन मे बी रिकॉर्डेड। बट इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द इसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो इसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए, लेक्चर आपके लिए लाता रहूं और मुझे इनकरेजमेंट मिले। अभी तक जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया है, जो पहली बार देख रहे हैं या जो कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अ डाइंग डिक्लेरेशन मे बी मेड टू एनी वन, टू अ पुलिस ऑफिसर, टू अ डॉक्टर और इवन टू अ ले मैन, बट इट इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट एंड इज रिकॉर्डेड बाय हिम, इट इज हैविंग मच इविडेंशियरी वैल्यू। तो डाइंग डिक्लेरेशन मे बी रिकॉर्डेड बाय एनी पर्सन, इट मे बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर, इट मे बी रिकॉर्डेड बाय द डॉक्टर, इट मे बी रिकॉर्डेड इवन बाय द ले मैन, बट सपोज इफ द डाइंग डिक्लेरेशन इज रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट, इट इज हैविंग अ मच इविडेंशियरी वैल्यू। तो डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, बट इविडेंशियरी वैल्यू डिफर हो सकती है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन किस तरीके का होना चाहिए, किस स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे, क्या क्या इसेंशियल्स डाइंग डिक्लेरेशन में आना जरूरी है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट इसेंशियल अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इसेंशियल है, यहां पर देखिए, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड। सो दैट इज द फर्स्ट इसेंशियल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। The death need not occur immediately after making the statement, however the death must occur. Suppose if we want to prove any statement before the court of law as a dying declaration, that we must prove that the person who made the statement died after making the statement. अगर हम किसी स्टेटमेंट को कोर्ट में एज ए डाइंग डिक्लेरेशन अगर प्रूव करना चाहते हैं, तो हमको ये प्रूव करना पड़ता है सबसे पहले कि जिस पर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया है उस पर्सन की डेथ हो चुकी है। इफ यू फेल्स टू प्रूव द डेथ ऑफ पर्सन, दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी एडमिसिबल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। अगर हम पर्सन की डेथ प्रूव ना कर सके तो वो डाइंग डिक्लेरेशन बोल के एडमिसिबल नहीं होगा, वो एज अ स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। अब बात ध्यान में ये रखिए कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द पर्सन मस्ट डाई इमीडिएटली आफ्टर द मेकिंग स्टेटमेंट, बट द पर्सन मस्ट डाइड। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट दिया और पर्सन की डेथ हो गई, जरूरी नहीं है। पर्सन की डेथ होना जरूरी है, चाहे वो इमीडिएटली स्टेटमेंट देने के बाद डेथ हो चाहे बाद में हो, बट पर्सन मस्ट डाई आफ्टर मेकिंग द स्टेटमेंट। इफ द पर्सन चांसेस टू लिव, हिज स्टेटमेंट इज इनएडमिसिबल एज डाइंग डिक्लेरेशन बट टू कोराबोरेट ओनली। सपोज इफ द पर्सन मेड अ स्टेटमेंट बट आफ्टर मेकिंग द स्टेटमेंट इफ ही सर्वाइव्स, then that statement will not be considered as a dying declaration, but it may be used for the purpose of corroboration, for the purpose of support to the other evidence. तो ध्यान में ये रखिए कि अगर person statement देने के बाद अगर उसकी death नहीं होती है, वो survive कर जाता है, तो उसका statement dying declaration कहकर एडमिसिबल नहीं होगा, बल्कि वो एज ए स्टेटमेंट दूसरे एविडेंस को कोराबोरेट करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, बट वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। तो पहला इसेंशियल ध्यान में रखिएगा कि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया उसकी डेथ होना जरूरी है, तभी उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगा, अदरवाइज नॉट। द फैक्ट दैट द पर्सन इज डेड मस्ट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो जो पर्सन कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना चाहता है, तो उसको यह प्रूव करना पड़ेगा कि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है उसकी डेथ हो चुकी है। तो यह पहला इसेंशियल था। सेकंड इसेंशियल डाइंग डिक्लेरेशन का हम देखते हैं, स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। सो व्हाट एवर द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन इन हिज स्टेटमेंट ही मस्ट मेंशन द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है ना, उस स्टेटमेंट में उसने अपने डेथ का रीजन बताना जरूरी है। If the statement does not relate to his death but to the death of another, it is not relevant. Suppose if a person explaining the circumstances of death of any other person, not his death, so that statement will not be considered as a dying declaration. वो बात ध्यान में रखिए, क्या हो गया कि अगर कोई person
अपने स्टेटमेंट में किसी और के डेथ का रीजन बता रहा है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन कब होगा? जो पर्सन ने स्टेटमेंट दिया वो पर्सन अपने स्टेटमेंट में अपने ही डेथ का रीजन बता रहा है तो ही वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा। सपोज अगर ए ये कहता है कि मुझे बी ने मारा, मतलब ये क्या कह रहा है कि उसको बी ने मारा, तो डेफिनेटली ये उस अपने डेथ का रीजन अपने स्टेटमेंट में बता रहा है तो ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा। और अगर ए ये कहता है कि नहीं सी को बी ने मारा, मतलब ए अपने स्टेटमेंट में सी के डेथ का रीजन बता रहा है तो ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। तो सेकंड इसेंशियल क्या है, स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने स्टेटमेंट में उसने अपने डेथ का रीजन बताना जरूरी है। रतन गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार देखिए एक केस है वेयर द वाइफ मेड अ स्टेटमेंट दैट हर हस्बैंड इज किल्ड बाय जेड एंड देन शी कमिटेड अ सुसाइड। अब इस केस में क्या हुआ था, वाइफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि उसके हस्बैंड को जेड ने मारा और ये स्टेटमेंट देने के बाद उसने सुसाइड कर दी। अब बात ध्यान में रखिए, स्टेटमेंट क्या था वाइफ का कि उसके हस्बैंड को जेड ने मारा और बाद में उसने सुसाइड कर दी, तो उसने अपने स्टेटमेंट में किसके डेथ का रीजन बताया, उसके खुद के डेथ का रीजन नहीं बताया उसने, उसने अपने हस्बैंड के डेथ का रीजन बताया। और अगर किसी स्टेटमेंट को हमको डाइंग डिक्लेरेशन बोल के ट्रीट करना है तो उसके लिए सेकंड इसेंशियल जरूरी है कि जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उस पर्सन ने अपने स्टेटमेंट में अपने ही डेथ का रीजन बताना जरूरी है। इस केस में वाइफ ने अपने हस्बैंड के डेथ का रीजन बताया, अगर वाइफ अपने डेथ का रीजन बताती तो डाइंग डिक्लेरेशन होता, लेकिन उसने अपने हस्बैंड के डेथ का रीजन बताया, इसीलिए क्या हुआ, द circumstances of transaction resulting in death must bear proximate relation to the cause of death or actual occurrence. तो यहां पर वो जो वाइफ का स्टेटमेंट था वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट ने नहीं माना क्योंकि वाइफ ने अपने डेथ का रीजन उसमें नहीं बताया था। तो सेकंड इसेंशियल क्या था कि जो स्टेटमेंट पर्सन ने दिया है उसने अपने डेथ का रीजन उस स्टेटमेंट में बताना जरूरी है। तीसरा इसेंशियल वो है द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। बात ध्यान में रखिए, सिर्फ कॉज ऑफ डेथ बताया सफिशिएंट नहीं है, वो कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में भी होना जरूरी है। द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 26A मस्ट रिलेट टू द डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट। वो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट, जिसने डिक्लेरेशन दिया उसके डेथ का डिक्लेरेशन उसमें होना जरूरी है। बात ध्यान में रखिए कि पहला इसेंशियल हमने देखा कि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया उसकी डेथ होना जरूरी है, दूसरा इसेंशियल हमने देखा कि अपने स्टेटमेंट में उसने अपनी डेथ का रीजन बताना जरूरी है, तीसरा स्टेटमेंट कि उसका डेथ कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, है ना, वो डेथ क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में होना चाहिए। बात ध्यान में रखो, ए ने यह कहा कि उसको बी ने मारा और वो मर गया, मतलब स्टेटमेंट जो देने वाला था उसकी डेथ हो गई, पहला इसेंशियल कंप्लीट हो गया। दूसरा इसेंशियल ये कि उसने अपने स्टेटमेंट में अपने ही डेथ का रीजन बताया, ए ने अपने डेथ का रीजन बताया क्योंकि ए ने कहा कि उसको किसने मारा, बी ने मारा, तो अपने डेथ का रीजन बताया। और कोर्ट के सामने क्या केस शुरू है कि ए को किसने मारा, मतलब ए की डेथ कोर्ट के सामने क्वेश्चन में है, कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि ए को किसने मारा। अगर ए को किसने मारा यह क्वेश्चन कोर्ट के सामने है तो अब ए का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कोर्ट में एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल हो जाएगा। दनू सिंह वर्सेस एम्पायर, देखिए ए एंड फाइव अदर्स वेयर चार्ज विथ हैविंग कमिटेड अ डकैती इन द विलेज। ए और उसके साथ पांच ने मिलकर डकैती किया था, ये चार्जेस थे उन पर, ए और पांच पेर। अब हुआ ऐसा, ए हुआ सीरियसली इंजर्ड व्हाइल बीइंग अरेस्टेड मेड बिफोर हिज डेथ डाइंग डिक्लेरेशन एज टू हाउ द डकैती वाज कमिटेड एंड हाउ हैड हु हैड टेकन पार्ट इन इट। तो ए ने जो अरेस्ट के दौरान सीरियसली इंजर्ड हो गया था, ए उसने अपने मरने के पहले एक बयान दिया और वो बयान में उसने क्या किया, अपने स्टेटमेंट में क्या बताया कि उसने और बाकी पांच लोगों ने मिलकर किस तरीके से डकैती की, ये उसने बताया। अब बात ध्यान में रखिए, यहां पर सिचुएशन क्या है, इट वॉज हेल्ड दैट डिक्लेरेशन वॉज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस एज अगेंस्ट अदर पर्सन एज इट डज नॉट रिलेट टू हिज डेथ बट रिलेट्स टू अ पार्टिसिपेशन ऑफ हिज एसोसिएट्स इन द डकैती। बात ध्यान में रखिए कि यहां पर वो जो पर्सन है ए, जिसने स्टेटमेंट दिया कि मैंने और पांच लोगों ने मिलकर इस तरीके से डकैती की और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, अब मुझे ये बताओ कि ए की डेथ यहां पर क्वेश्चन में है क्या इस केस में, बिल्कुल नहीं। इस केस में क्वेश्चन में क्या चीज थी, इस केस में क्वेश्चन ये था कि ए ने और पांच दूसरे लोगों ने मिलकर डकैती किया है या नहीं किया है। तो डाइंग डिक्लेरेशन किसी पर्सन का एडमिसिबल कब होगा,
कि अगर उसकी डेथ हो जाती है और अपनी डेथ अपने स्टेटमेंट में अपने डेथ का वो रीजन बताता है और उसकी डेथ अगर क्वेश्चन में है तो यहां पर ए की डेथ क्वेश्चन में नहीं थी बल्कि ए ने और पांच लोगों ने मिलकर डकैती किया या नहीं किया ये क्वेश्चन में था। तो डाइंग डिक्लेरेशन अगर हमको एज ए डाइंग डिक्लेरेशन किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना है कोर्ट में तो तीसरा एसेंशियल भी हमको प्रूव करना जरूरी है वो क्या है कि जिस पर्सन का स्टेटमेंट हमको एज ए डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में एडमिसिबल कराना है तो उसी पर्सन की डेथ भी कोर्ट में क्वेश्चन में रहना जरूरी है तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट एसेंशियल द स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। द डिक्लेरेशन मस्ट बी कंप्लीट बट इट हैपेंस दैट आफ्टर मेकिंग सेम स्टेटमेंट ही इज अबाउट टू स्टेट समथिंग मोर व्हेन ही बिकम अनकॉन्शियस एंड डाइज द स्टेटमेंट वुड बी अ इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन देयरफॉर विल नॉट बी रिलेवेंट। सपोज इफ द पर्सन इज मेकिंग अ स्टेटमेंट एंड मीनवाइल ही वांट्स टू एड समथिंग इन हिज स्टेटमेंट बट बिफोर एडिंग समथिंग ही डाइज that statement is supposed to be an incomplete statement and that's why it is not admissible as a dying declaration। to agar koi person apna statement de raha hai uska statement record kiya ja raha hai aur aage usko aur kuch kehna hai lekin kuch kehne se pehle hi uski death ho gayi to uska statement abhi complete nahi hua tha aur uski death ho gayi to ye incomplete statement hai to incomplete statement as a dying declaration nahi mana jayega। समझ रहे हो? अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि हां ए मेरे पीछे तलवार लेकर लगा हुआ था और जैसा ही मैं पत्थर से ठोकर लगकर मैं नीचे गिरा और ये बोला उसने और उसकी डेथ हो गई। अब बात ध्यान में रखिए उसके पीछे ए लगा था तलवार लेकर वो नीचे गिरा यहां तक हुआ बट उसने तलवार से मारा अभी तक उसने नहीं बोला। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है तो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं होगा। स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है तो ये बात ध्यान में रखिए। सेरिल वाग वर्सेस किंग ये केस थी। इट वॉज हेल्ड दैट द डाइंग डिक्लेरेशन वॉज इन एडमिसिबल बिकॉज ऑन इट्स फेस इट वॉज इनकम्प्लीट एंड नो वन कुड टेल व्हाट द डिसीज वॉज अबाउट टू एड। तो इस केस में ये बोला हुआ है कि जो इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो इन एडमिसिबल है क्योंकि ये किसी को भी पता नहीं है कि वो आगे क्या एड करने वाला था। तो जब इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन होता है तो वह इन एडमिसिबल होगा। तो चौथा एसेंशियल क्या है डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी के लिए? वो जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होना जरूरी है तभी डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट होगा अदरवाइज नॉट। फिफ्थ एसेंशियल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन डिक्लेरेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट एज अ विटनेस। डिक्लेरेंट क्या होना चाहिए? द पर्सन हु इज मेकिंग अ डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होना जरूरी है। इवन अ डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय अ इन्फेंट इज एडमिसिबल बट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द माइनर हैज टू बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 124 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट था 124 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बात ध्यान में रखिए कि पर्सन जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है ना वो कॉम्पिटेंट विटनेस होना जरूरी है और कौन विटनेस कॉम्पिटेंट है कौन इनकॉम्पिटेंट है ये सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया हुआ है और वह सेक्शन 124 क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि हर पर्सन कॉम्पिटेंट है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू बी अ विटनेस अनलेस ही इज प्रिवेंटेड from understanding the question put to him and to give a rational answer due to tender age, due to extreme old age and due to any physical or mental abnormality। बात ध्यान में रखिए कि सेक्शन 124 क्या कहता है? हर पर्सन कॉम्पिटेंट है। सिर्फ वही पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं होगा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है। अगर क्वेश्चन किसी अब चाहे कोई भी एज हो पर्सन की अगर उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो इनकॉम्पिटेंट है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है लेकिन आंसर नहीं दे पा रहा है वो इनकॉम्पिटेंट है। अदरवाइज पर्सन को क्वेश्चन समझ में आ रहा है और वो आंसर प्रॉपर दे पा रहा है तो वो कॉम्पिटेंट ही होगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे पर्सन का एडमिसिबल होगा जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और जो प्रॉपर आंसर दे रहा है। तो ये भी जरूरी है कि जब पर्सन को डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उसको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसको समझ में भी आ रहा था या नहीं आ रहा था ये देखना जरूरी है। नेक्स्ट इसेंशियल लास्ट इसेंशियल इज द डिक्लेरेंट मस्ट बी इन अ फिट कंडीशन। बिफोर अ डाइंग डिक्लेरेशन इज सॉट टू बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 21 सब क्लॉज ए इट मस्ट बी शोन दैट द डिक्लेरेंट मस्ट
was in a fit state of mind to make the dying declaration. So before recording the dying declaration, if there is a certificate of fit state of mind, so it will definitely increase the evidentiary value of dying declaration. So jab kabhi bhi dying declaration record kiya ja raha hai, to jis person ka dying declaration record kiya ja raha hai, wo fit state of mind mein hona zaruri hai. A fit state of mind kisko bolenge? Ki usko question samajh mein aa raha hai aur wo proper answer de pa raha hai. To wo fit state of mind kehlaya jayega. That the declarant was conscious of the surrounding and of the person who attacked him. तो person को सब सारी चीजें consciously होना चाहिए कि उसके आसपास क्या चल रहा है, किसने उस पर attack किया था, ये सारी चीजें उसको समझ रही है, तो इसका मतलब वो fit condition में है. अगर person fit condition में नहीं है और उस situation में अगर dying declaration record किया जाएगा तो वो dying declaration अपनी evidentiary value को खो देगा. तो ये थे 6 essential जो dying declaration के लिए जरूरी है. हम किसी statement को as a dying declaration court में अगर admissible कराना चाहते हैं तो ये 6 essential ध्यान में रखना जरूरी है. अगर ये 6 essential पूरे हो रहे हैं तो definitely वो statement as a dying declaration proof होगा, otherwise not. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा ताकि सारे लोगों को इसका फायदा पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच.